हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का बेसिक इंट्रो आज की क्लास में रहेगा कि सेट थ्योरी क्या होता है, सेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या यूज़ आने वाले चैप्टर्स में होता है, उसको आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं सेट। देखिए सेट को जो है जॉर्ज कंटेनर ने सबसे पहले आपको दिया था, जॉर्ज कैंटर। ओके, जॉर्ज कैंटर ने आपको इसको सबसे पहले दिया था और इन्होंने कहा था कि कोई ग्रुप अगर आपके पास है, क्या है, कोई ग्रुप आपके पास है और उसके पास उसके ऊपर कोई डिफाइंड कंडीशन अगर पहले से आपने अप्लाई की हुई है, क्या डिफाइंड कंडीशन पहले से अप्लाई की हुई है, तो उस कंडीशन में इस ग्रुप का जो नाम होगा वो सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड कंडीशंस, सो कॉल्ड ऑफ सेट। समझिए कि किसी वेल डिफाइंड कंडीशन पर आधारित कोई समूह हो आपके पास तो आप उसे सेट कह सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ प्लेयर हैं, क्या हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्या हैं, खिलाड़ी, यानी सम प्लेयर। आपके पास कुछ कुछ प्लेयर हैं, मैंने इनके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई की कि कुछ खिलाड़ियों में से मुझे जो चाहिए वो इंडिया टीम के प्लेयर चाहिए। क्या चाहिए? इंडिया टीम के प्लेयर। तो इंडिया टीम के जो प्लेयर थे इसमें वो फोर थे। क्या थे? फोर। तो फोर प्लेयर आपके बाहर आ चुके हैं। तो जब फोर प्लेयर बाहर आएंगे तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन का सेट बना, यानी कि ये जो एक ग्रुप बना आपका, ये वाला, ये सेट होगा, बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर एक कंडीशन पहले से आधारित कर दी है इंडिया टीम के प्लेयर। ओके, समथिंग इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं सेट। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक 12 महीनों का समूह है। क्या है? 12 महीने हैं। ईयर में कितने होते हैं भाई? ईयर में जो आपके मंथ होते हैं वो होते हैं 12। ओके, 12 होते हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये होते हैं आपके 12 महीने। अब मैंने ये कह दिया, इसके ऊपर एक कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी कि इसमें से जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का समूह चाहिए मुझे, यानी मंथ का एक ग्रुप चाहिए, यानी स्टार्टेड बाय जे। ओके, तो जे से जो स्टार्ट होंगे वो मंथ चाहिए। तो मेरे पास जो नंबर निकले वो जनवरी, जुलाई, जून, ये निकले। क्या निकले? जो सेट बना आपके पास, सेट ऑफ मंथ, वो रहेगा जनवरी, जुलाई या जून और जुलाई, ये रहेगा आपका सेट। इस कंडीशन में सेट जो होता है उसे करली ब्रैकेट में बंद किया जाता है। क्या? करली ब्रैकेट में उसे बंद किया जाता है। देन इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं आपके बेटा एलिमेंट। क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं एलिमेंट। ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप अपने घर के अंदर रह रहे हैं, क्या, यदि आप अपने घर के अंदर रह रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके घर के अंदर तो आपके घर की फैमिली के मेंबर रह रहे होंगे। जब आपके घर के फैमिली के मेंबर जो आपके घर में रह रहे हैं तो घर तो एक सेट हो गया और घर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो रहेंगे आपके एलिमेंट।
ठीक है बेटा, जैसे कि यहां पर टीम इंडिया के प्लेयर, तो टीम इंडिया के जो प्लेयर हैं वो तो है एलिमेंट और टीम इंडिया जो है वो रहेगी सेट, ठीक है। इसी तरीके से ये होते हैं। अब इन सेट्स को दो लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्या इन सेट्स को दो लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। पहली लैंग्वेज को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म एंड दूसरी फॉर्म को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे आप दो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पहला आप इसे कह सकते हैं रोस्टर, दूसरा कहते हैं सेट बिल्डर। क्या कहते हैं? सेट बिल्डर। क्लियर। रोस्टर फॉर्म होती है किसी सेट को डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में लिख देना, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, इस तरीके से। ओके, ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्ड एंड वन लेस देन एक्स और लेस देन फोर, यानी कि ये रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म रहेगी, आप इस तरीके से लिखेंगे वो रोस्टर फॉर्म रहेगी। तो ये होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और ये होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए मेरे पास यहां पर है 2, 4, 6 एंड 8। तो यहां आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड यहां पर आएगा लेस देन 2x, ठीक है 2x और यहां पर रहेगा 4। क्या रहेगा? 4। आपने जैसे ही यहां पर लिखेंगे 2, देखिए x की जगह पर रखा तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6 और 4 रखेंगे 8। तो ये आप कंडीशन पास कर सकते। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म रहेगी ये और रोस्टर फॉर्म रहेगी ये, दो भागों में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था राइटिंग का वे, आप सेट को दो राइटिंग वे में लिख सकते हैं। एक और चीज बता दूं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो सेट आपके सामने होगा, यानी कि जैसे सेट आपके सामने है तो सेट को मोस्टली ज्यादातर उसके कैपिटल नेम से, अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से नोट किया जाता है। अब मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है n, क्या है मेरे पास n, तो n का मीन्स ये है कि n जो है वो एक सेट है नेचुरल नंबरों का। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। ओके, अगर हम यहां देखें तो इनके टाइप भी हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं पहले कि कितने टाइप हमारे पास हैं। देखिए होल, होल नंबर में क्या होता है कि ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, आर से इसे नोट करते हैं, और इसमें जो होते हैं वो होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, ये सेट होते हैं। बट बेटा ये तो वो हैं जो हमने 9th और 10th में पढ़े थे, क्या 9th और 10th में इनके टाइप्स को पढ़ लिया था। बट अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो रहेगा 11th का। ओके, 11th की बात हम कर लेते हैं। 11th की बात करने में हमने पाया कि सबसे पहले एम्प्टी सेट पाया, क्या पाया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिक्त समुच्चय भी कहा जाता है, रिक्त समुच्चय भी कहा जाता है। यानी एम्प्टी सेट की जब हम बात कर रहे हैं तो एम्प्टी सेट की यहां बात कर लेते हैं। एम्प्टी सेट में बेटा मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। क्या होता है?
ओनली फाइव, इनके अंदर कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं उपस्थित होता, केवल फाइव होता है। सेकंड होता है आपका सिंगलेटन। क्या होता है सिंगलेटन? सिंगलेटन में आप इसे हिंदी में देखें तो एकल कहते हैं। अब इसका नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, एकल समुच्चय कौन होते हैं? जिनके अंदर कि ओनली वन एलिमेंट होता है। क्या होता है? वन एलिमेंट होता है, इसे कहते हैं सिंगलेटन। ओके, अच्छा, एम्प्टी हो गया, सिंगलेटन हो गया। अब आता है इक्वल सेट। क्या आता है? इक्वल सेट। इक्वल सेट में आप देखेंगे, इसे कहते हैं इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी कि इक्वल सेट को समझ लीजिए, बराबर समुच्चय। यानी कि आप समझिए कि यदि आपके पास ए कोई सेट है, ये ए कोई सेट है और इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और यहां पर कोई बी सेट है और इसमें एलिमेंट है आपके बी सी बी और ए, तो इनके दोनों के एलिमेंट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन केस में हम कह पाएंगे कि ये जो सेट है वो इक्वल सेट है। ओके, तो इस तरीके से इक्वल सेट वो होते हैं जो दो वैल्यूओं को इक्वल दिखा देते हैं। ओके, चलिए, तो आपका एम्प्टी हो गया, सिंगलेटन हो गया और इक्वल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात कर लेते हैं? यूनिवर्सल सेट की। देखिए, यूनिवर्सल सेट से मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं सार्वत्रिक। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक। यूनिवर्सल का मतलब यह होता है कि जो सेट आपको दिए गए हैं उन सेट के सभी कलेक्शन से बड़ा हो, यानी कि गिवन जो सेट होंगे आपके वो सब इसके सबसेट होने चाहिए। गिवन सेट ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जैसे मेरे पास है एक दिया है वन, जिस यहां पे मैं ले लेता हूं जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का समूह, जनवरी जून और जुलाई, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये उसका सबसेट होना चाहिए। तो मैंने कहा बी इज अ यूनिवर्सल सेट क्योंकि इसमें सभी आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो इस तरीके से टोटल आपका दिसंबर तक के सारे जो मंथ होंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो सेट है वो इसका सबसेट होगा। इस केस में ये वाला सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा, बी इज अ यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट रहेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट की, या डिसजॉइंट सेट से पहले हम पावर सेट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे जो है डिसजॉइंट की। देखिए, एक डिसजॉइंट पर जाने से क्या मिला था? सबसेट। सबसेट का मतलब यह है, मैं बता दूं कि किसी सेट, छोटे सेट के एलिमेंट यदि बड़े सेट में पूरे के पूरे मिल जाते हैं, जैसे मेरे पास छोटा सेट है कोई 2 4 और बड़ा सेट है कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई बड़ा सेट है। तो छोटे सेट के सारे एलिमेंट यदि अगर आपको बी में मिल जाते हैं तो मैं यहां कह सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए उपसमुच्चय है बी का। इस तरीके से आप कह सकते हैं ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। यदि अगर हमें इन उपसमुच्चय यानी सबसेट की अगर हमें काउंटिंग फाइंड आउट करनी हो,
काउंटिंग फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि n जो होता है यहां पर वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे लाइक मान लीजिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो यहां पर मैंने लिखा 2 की पावर 2, तो यानी कि 4। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट रहेंगे। और इस पूरी प्रोसेस को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पावर ऑफ सेट। क्या कहा जाता है? पावर ऑफ सेट। क्लियर? तो ये होगा पावर ऑफ सेट। पता चला कि एक होता है पावर ऑफ सेट, एक होता है सबसेट। अच्छा, सबसेट वो होता है जो छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में बिलोंग कर जाएं, तो बड़े सेट का छोटा सेट सबसेट होता है। यहां सबसेट की काउंटिंग फाइंड आउट करने के लिए पावर सेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है? काउंटिंग ऑफ सबसेट होती है। क्लियर? अच्छा, दूसरा अगर मैं यहां एक और आपको बात बता दूं कि डिसजॉइंट की बात करें तो डिसजॉइंट में क्या होता है, देखिए यदि आपके पास, चलिए इसे छोड़ देते हैं यहीं पे क्योंकि इतना ही है, बाकी आप क्लास में बात करेंगे ज्यादा होगा। तो देखिए डिसजॉइंट की बात करते हैं तो डिसजॉइंट में क्या होता है, डिसजॉइंट में होता है कि आपको दो सेट दिए हैं, ए इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 1, 3, 5 एंड 7 इस तरीके से दिया है, और बी में दिया है आपको इवन नंबर 2, 4, 2, 4, 6, 8 एंड डॉट 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 इस तरीके से दिया है। यदि ए और बी से, अगर मैं ए से बी को माइनस कर दूं तो आपको यदि 5 मिल जाता है, क्या मिल जाता है? 5 मिल जाता है। तो इस केस में जो आपके सेट हैं वो डिसजॉइंट होंगे। कौन से होंगे? डिसजॉइंट होंगे बेटा। ओके, ये डिसजॉइंट होंगे कब? जब a माइनस बी आपको 5 मिल जाता है। तो अगर नहीं मिलता है तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। ओके, ये रहेगा। देखे अब मैं यहां पर पूरे इस कॉन्सेप्ट से अलग हटकर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अभी इसके बाद जो है आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे जो 11th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 11th के सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, 11th के सिलेबस को कवर करेंगे, तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, तो हम आपके जो है पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो ये होती है डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं a माइनस बी और a का कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखें a माइनस बी क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूं आपको। यदि आपके पास कोई दो सेट दिए हैं और हमें उनका a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है? a माइनस बी निकालना है, और आपके पास दो सेट हैं, यानी कि a आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड b आपको दिया है 3 और 4। तो आपको निकालना है a माइनस बी। जब आप a माइनस बी निकालेंगे तो जो एलिमेंट b सेट के मैच कर रहे हैं वो a से हट जाएंगे, 1, 2, 5, यानी कि ये रहेगा आपका a माइनस बी। कभी भी आपको a माइनस बी निकालने की बात आती है तो आप इस तरीके से उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आप निकालेंगे किसी का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट डैश जो होता है, इसे डैश बोलते हैं, वैसे हम इसे मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट का साइन कहते हैं। यदि आपके पास a कॉम्प्लीमेंट है तो समझ लीजिए उसे यूनिवर्सल से माइनस करना है। किससे माइनस करना है? यूनिवर्सल सेट से। जब आप किसी से यूनिवर्सल से उस सेट को माइनस करेंगे तो यू के जो एलिमेंट होंगे जो ए के साथ मैच कर रहे होंगे वो हट जाएंगे। ठीक है, तो यहां आएगा यू माइनस ए। क्या आएगा? यू माइनस ए के एलिमेंट जो होंगे वो आएंगे। जैसे लाइक मान लीजिए आपके पास है यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके पास एलिमेंट है, और a इज इक्वल टू जो है आपके पास है 3, 4, 5। क्लियर? तो आपने क्या a कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो u माइनस a करेंगे, u माइनस a करने पर जो मैच कर रहे हैं वो हट जाएंगे, बाकी लिख जाएंगे। तो यहां पर लिखेगा 6, 7, 8, 9। ओके, तो ये रहेगा आपका a कॉम्प्लीमेंट, और इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं। तो आज की थी बेसिक इंफॉर्मेशन की क्लास।
जिसमें कि हमने आपको लगभग सारे सेटों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है और सारे सेटों को बता दिया है कि किस तरीके से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बेसिक थी और टेस्टिंग थी कि ऑडियो एंड वीडियो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के सामने। तो अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है या लगता है आपको कि आपको अपना सिलेबस हमारे साथ मिलकर कंप्लीट करना है तो बनिए हमारे साथ पर डे शाम को 7 बजे लाइव स्ट्रीम पर और अपने सिलेबस को करिए कंप्लीट। अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक रिक्वेस्ट आपसे भी होगी कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।